आइए सुनिए गबन भाग 38। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों ही को अपने 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक ना आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, ये सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूज मालूम हुई उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसके कीर्ति लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राय को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने ये सारी आफतें झेली पर हमें एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखते, हमसे नाता ही क्या था। मुंह देखे कि प्रीति थी, हां कोट पहाड़ ओट। रमा ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा, दिल पर जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपए ना कमा लूंगा एक शब्द भी ना लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग भरकर कहा, ठीक ही था, रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते ही हैं। हम तो रुपए के यार हैं, तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है। वाह, गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई कर ही सब प्रीति। रमा ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, ये बात ना थी। मैं यही सोचता था कि इन फटेहालों जाऊंगा कैसे। सच कहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम ही से लगता था। सोचता था तो मुझे कितना कपटी, झूठा, कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नरम होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थिनी, कितनी लोभिनी समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज ये दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1,000-2,000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग पर जल चुकी उसमें फिर ना कूदूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के लिए अंत समय तक करूंगी। ये मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से मैं उब गई, या सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। ये सब अभिलाषें ज्यों की त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदुद्योग से उसे पूरा कर सको तो क्या कहना। लेकिन नियत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1,00,000 भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपने गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी, मेरे इस मामले से कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे, मुश्किल क्या है। जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्युनिसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकता तो फिर किस बात का डर। डर ना हो, झेम भी तो कोई चीज है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं, यह तो मुझसे ना होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से जिंदगी बसर होगी, मुझमें गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जालपा ने कोई जवाब ना दिया,
मैं सोच रही थी आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हां, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी, क्या तुम इतने गहे बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखो मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है मैं सिर पर ले सकती हूं, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज नहीं ले सकती। रमा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं यहां कुलीगिरी करूं? जालपा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियां खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो मैं उतना नीच नहीं हूं। बुरी बात सभी को बुरी लगती है, इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझमें अब ठोकरे खाने की शक्ति नहीं है, न मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूं। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहां पहुंचने की शक्ति मुझमें नहीं है? जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या ना करने की शक्ति का ना होना अचंभे की बात है। जिस पर दौड़ने की शक्ति हो उस पर खड़े रहने की शक्ति ना हो इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम ये निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस और बातें आप आ जाएंगी। रमा सिर झुकाए सुनता रहा। जालपा ने आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहां से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिक लगाकर यहां से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें दिख करने ना आऊंगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लूंगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए ये दुर्बलताएं हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूं ये हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी, सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूं कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो मैं चलूं, यही अच्छा होगा। मैं भी चली चलूंगी और तुम्हारे सुपरिटेंडेंट साहब से सारा वृतांत साफ साफ कह दूंगी। रमा का सारा पसोपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह ना कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साहब बताओ अपना बयान बदलोगे या नहीं? रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूं बदल दूंगा। मेरे कहने से या अपने दिल से? तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचकती वह तुमने निकाल दी, फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए हैं? रुपए अदा कैसे हो गए और लोगों को गबन की खबर हुई या घर ही में दबकर रह गई? रतन पर क्या गुजरी? गोपी क्यों इतनी जल्दी चला गया? दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं? आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया, फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमा ने कहा, कहीं उससे अच्छा है कि यहां चाय की दुकान खोलें। इस पर दोनों में मुबाहसा हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहां रहकर वह घर की देखभाल ना कर सकता था, भाइयों को शिक्षा ना दे सकता था और ना माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया।